fam, so yeah, this is Vishu Mishra and again I am in Kinnaur. So yeah, right now I'm in Kinnaur with my brother और मैं यहाँ से सीधा स्पीति के लिए जा रही हूँ. दिस इज़ द ट्रिप फॉर समर स्पीति ओनली. और लास्ट की जर्नी सेम थी, शिमला से हम लोग आए थे. शिमला से डायरेक्ट फिर हमने रामपुर से थोड़ा आगे स्टे किया, जहाँ पे नॉट एक्जैक्टली प्लेस नहीं याद है, बट रामपुर से 23 किलोमीटर आगे था. उसके बाद फिर हम मॉर्निंग में 7 o'clock रामपुर से निकले हैं और अभी फ़िलहाल मैं किन्नौर के क्लिफ पे आके खड़ी हूँ. तो बस यहाँ से सीधा प्लान है मेरा चुटकुल जाने का. चुटकुल से फिर आगे का देखते हैं, वहाँ पे चुटकुल सांगला या रक्षा में रुकेंगे, अदरवाइज हम अगर उससे और आगे स्ट्रेच कर सकते तो आगे रुकेंगे. तो या दैट्स फॉर ऑल दी अपडेट नाउ. और इसके बाद बस हम निकल रहे हैं विद इन 5 मिनट्स. सब कुछ सेम वही है और हम खा भी वहीं पे रहे हैं जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने खाया था, हिमालयन ट्राइब्स के पास. यहाँ पे ऊपर होम स्टे भी है तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि अंदर होम स्टे और अंदर आप जो भी चाहो वो मिलता है. मेन्यू है काफ़ी ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है बिकॉज ऑब्वियसली बात इतनी हाइट पर खाना जो मिल रहा है. तो या मैं अभी आपको खाना खाने के बाद नीचे जाके मेन चिटकुल का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करवाती हूँ. बैक साइड में जो आप देख रहे हैं वो होम स्टे भी है और कैफ़े भी है. ये है हिमालयन ट्राइब शोनांग, जहाँ पे स्टे भी है, फूड वगैरह ब्रेकफास्ट सब मिल जाता है. और ये है एरिया पार्किंग का अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो. और जो नीचे तो कैफेटेरिया है, ऊपर जो है आपका वो होम स्टे है. होम स्टे की कॉस्ट आप जा सकते हो, इनकी वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम पे पेज भी है. ये है शोनांग इको फ्रेंडली, जो ऊपर है ये ऊपर कुछ 3-4 रूम्स है, हीटर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा. और जस्ट इसके पीछे चिटकुल रिवर है. सो दिस इज़ द रूट फॉर चिटकुल रिवर. यहाँ पे लिखा भी हुआ है करछम, हम लोग ऑलरेडी छोड़कर आ चुके हैं और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है अलग चिटकुल. और ये हमारा रास्ता है जाने का. और हाँ, यहाँ पे एक जोस्टल भी है, चिटकुल जोस्टल. अगर आप डालोगे जोस्टल की खुद की वेबसाइट पे या नॉर्मल तो आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा. ये आपका जोस्टल का रिसेप्शन है. यहाँ पे आप डायरेक्टली आके भी बुक कर सकते हो और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो. काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की आउटर साइड में भी है. और ये आपका ओपन एरिया है जहाँ पे आप अपना बॉन फायर और ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह कर सकते हैं. ये इन्होंने टेंट भी लगा रखे हैं, जोस्टल के ही हैं. और ये आपके 2 फ्लोर में, यहाँ पर आपको डॉम्स भी मिल जाएगा, प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा. और जो हॉस्टल में होते हैं मिक्स एंड सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके लिए भी आपको मिल जाए. एंड कार पार्किंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल हेयर. माउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल. और जैसा हम देख सकते हैं स्नो अभी थोड़ा रिसेंट में ही हो रही है और एक्चुअली अभी भी स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे. और वो जो पीछे वाला स्नो है ना, जो स्नो पीक माउंटेन्स है, वो लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे लैंडस्केप या वॉलपेपर लगाया हुआ है. और अभी फ्रेश स्नो हुई है. और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे क्लाउड नहीं है अभी, तो जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी सेफ है और क्लीन है. और जैसा आप देखेंगे ये चिटकुल रिवर, ये सच में बहुत प्यारी है. सो या दिस इज़ दी हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा वाला पॉइंट. यहाँ पे ये लगा हुआ है बोर्ड और नीचे आप जाओगे ये. सो दिस इज़ द एक्चुअली ढाबा. अभी शायद ये क्लोज है, कोई जा भी नहीं रहा इसके अंदर.
और ऊपर से जो व्यू दिखता है वो यही है, चुटकुल की जो सतलज रिवर बह रही है वो। का जो पड़ता है वो किन्नौर से काफ़ी आगे है, मतलब कि स्पीति जस्ट टच होने वाला है विद इन अ वन आवर। तो हम मॉर्निंग में यहाँ से बस अब निकलने वाले हैं। और या पू में बहुत लिमिटेड 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 होम स्टेज है, होम स्टेज भी नहीं, बस दो या तीन होटल्स हैं, एक ओम होटल के नाम से, एक शिपली का, और एक जहाँ पे मैं स्टे किया है वो है PWD का गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे भी इसके चार्जेस 1000 रुपीज़ लिए हैं पर रूम के। फूड यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और या थोड़ा सा टफ है अगर आप पू में प्लानिंग कर रहे हो स्टे करने का, अगर आप स्पीति के लिए हो तो पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करना ऐसे कंजेस्टेड एरिया के लिए कि जिससे कि आपको रात में दिक्कत ना हो। तो या मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ एंड जस्ट लुक एट द व्यू। ये आपका पू का जो PWD वाला एरिया है ये वो है, उसके हाउसेस है, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं और पार्किंग भी आपको अंदर मिल जाएगी काफ़ी अच्छी। और ये पू का जो आपको दिख रहा है वो छोटा सा गांव है। ये पू वाला जो PWD का गेस्ट हाउस है ये वो है, सरकारी है, अच्छा है। खाप संगम ब्रिज और मॉर्निंग का टाइम है, 8 o'clock हो रहा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे और विंड्स बहुत तेज़ है, ठंडी भी ठीक है हमारे हिसाब से। तो मैं अभी इसी वक्त संगम पे खड़ी हूँ, यहाँ पे स्पीति और सतलज रिवर का मीट होता है। मैं उस साइड से दिखाऊंगी, उस साइड से क्लियर आएगा आपको। ये है आपका संगम जहाँ पे वो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है उस एरिया में, सबसे लास्ट कॉर्नर में वो आपकी स्पीति रिवर है। और जो थोड़ा डर्टी दिख रहा है लाइट येलोइश ब्राउनिश कलर का वो आपका सतलुज रिवर है। तो यहाँ पे जो है उसका वो मीट होता है और उसी को हम बोलते हैं संगम, विच इज़ नोन एज खाप ब्रिज संगम। ये खाप ब्रिज है जहाँ पर मैं हूँ अभी, ठीक है। और खाप ब्रिज के जस्ट नीचे जो है वो संगम हो रहा है। There are the things I want to know.
But if you don't